पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। चलो देखते हैं मिस्टर जयदेव शर्मा ने अपनी बेटी और दामाद के लिए क्या बनाया है। पापा, पापा, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? पापा, ये फ्रिज तो एकदम एम्प्टी है। हाँ, मुझे वक्त नहीं मिला शॉपिंग करने का। हुआ क्या? नहीं नहीं, मैं सोच रही थी कि आपको तो खाना बनाने में मजा आता है ना, तो बिरयानी, पूरी सब्जी कुछ भी नहीं बनाया क्या? सुबह मैंने ब्रंच कर लिया है, अगर तुम दोनों को भूख हो तो कुछ बाहर से मंगवा। जी जी पापा, ऑफ कोर्स। पल्लवी, पल्लवी, क्या हुआ? तुमने अभी बोला था ना, ख्याल रखवाने नहीं, ख्याल रखने आए हैं। खाने का क्या, मैं ऑर्डर कर देता हूँ ना अभी के अभी। बताओ क्या खाओगी? हाँ, पिज्जा मंगाओ। पापा, आप ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? और तू बता, तू इतनी सेल्फिश क्यों हो गई? जब से तू आई है बस घर ठीक नहीं है, फ्रिज में कुछ खाना पड़ा नहीं है। चाहते क्या हो तुम? मेरी फिक्र मत कर, तू अपना देख ले। सॉरी पापा, यू आर राइट। आज तक मुझसे ऐसे कभी बात नहीं की। पापा जी, सामान अंदर रूम में रख दे। हाँ आकाश, चलो रख दे। ऐसी अजीब जिंदगी है ये, बच्चे की खुशी के लिए उसका दिल तोड़ना पड़ रहा है। कैसे करे एक बाप ये सब? भाई देखिए, हमें तो रेल से ही सफर करना अच्छा लगता है। आराम से पसर के चले जाओ, चले आओ, जब जी चाहे लेटरिन चले जाओ, पेशाब करने चले जाओ, है ना? अब भाई इतनी देर कौन रोक के बैठ सकता है? बट अंकल, वॉशरूम्स तो प्लेन में भी होते हैं ना? अरे ऐसे कैसे होते हैं भाई, इंसान ऊपर से कुछ करेगा तो सीधा नीचे नहीं गिरेगा, और रेल का क्या है कि जो भी है पटरी पर ही गिरेगा, है ना? और एक सुविधा और है कि जहां भी रुके प्लेटफार्म पे ट्रेन, जो जी में आए खरीद लो। पापा जी, आपके न्यूज का टाइम हो गया ना, जो आप हमेशा देखते, टाइम हो गया। हाँ, अब तुम लोग बेटा बैठ के चाय पियो, हम न्यूज देखने जाते हैं। आप चाय लेके न्यूज देख लीजिएगा। गॉड, आई एम सो हैप्पी टू सी यू गाइस। अब बता, ये सब क्या हो गया है? तू बिना किसी को बताए गायब भी हो गई और तूने जॉब भी छोड़ दी। इसलिए हमने सोचा कि चलो मैडम से मिलकर आते हैं। अब बता, कैसी है तू? सब ठीक, एवरीथिंग इज ग्रेट, जस्ट नाइस, चिल। नो यार, तू तो पूरी बदल गई। आई मीन नथिंग रॉन्ग, बस वो पहले वाली दीपिका नहीं लग रही, है ना? सीरियसली, पहले तो कितने स्टाइल में रहती थी,
फैशन टू द पॉइंट. और आप देख, एक बार प्रेग्नेंट हो जाएगी ना तब पता चल जाएगा. अरे दिस इज मूड स्विंग, ब्लोटिंग. पता है जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं ना, ब्लोटिंग ना सब कुछ खत्म कर देता है, फैशन, स्टाइल, एवरीथिंग. आई एम फीलिंग सो बैड फॉर यू दीपिका. और तू तो अब जॉब भी नहीं करेगी. पर यार ये तो तेरा पैशन था ना. ये तो मेरा रूम हुआ करता था. था, अब नहीं. अपना कमरा चाहिए तो वो आकाश के साथ उसके घर में है, अवस्थी हाउस में. अब ये मेरा कमरा है, मेरा स्टडी. हटो जरा, मैं चेक करता हूं अपने मेल्स. मेल चेक करना है, मेल. अच्छा है पापा, बहुत बहुत कूल है. हाँ मैम, अपना कमरा मिस कर रही थी, आदत है ना. बट ठीक है, आपको ऐसे बिजी देख के बहुत खुशी हो रही है. सुपर प्राउड ऑफ यू पापा. कम ऑन आकाश, हम चलते हैं. वापस जा रहे? नहीं, वापस क्यों जाएंगे, स्टोर रूम तो अभी भी है ना, हम कर लेंगे मैनेज. हाँ कर लेंगे मैनेजमेंट स्टोर रूम, मगर क्यों? अरे वहाँ पे कोई अनारकली को थोड़ी ना दफनाया है. घर ही है, मेरा है, कहीं भी रह लूंगी. मेज है ना, मेज में सेटअप कर लेंगे हम अपना. गद्दा और चद्दर ही तो चाहिए, बिछा लेंगे. आप आराम से अपना काम खत्म कर लो, टेंशन मत लो, बाद में बात करते हैं. चलो आकाश, आई होप आप अपना वादा निभाएंगे और ये बात पल्लवी को नहीं बताएंगे. ठीक है 15 दिन की तो बात है, मतलब दोबारा चीजें यहाँ वहाँ शिफ्ट कर लूँ, स्टडी रूम बना हुआ है तो ऐसे ही सही. अच्छा कर लो. क्या हुआ, बुरा लगा? क्यों बुरा लगना चाहिए था? आप चाहते हो मुझे बुरा लगे, क्योंकि नहीं लगा. कुछ तो हुआ है, मैं जानती हूँ पापा. आप ऐसे तुर्रम खान तभी बनते हो जब कुछ गड़बड़ होती है. हकीकत कुछ और ही है, जिसका मुझे पता लगाना ही पड़ेगा. इतना आसान नहीं होगा इसे वापस भेज पाना, लेकिन इसका भला इसी में है कि ये अपने ससुराल में रहे, अपने सास ससुर और अपनी गृहस्थी पर ध्यान दे. आई एम सॉरी बच्चों. कैसा लगा कमरा? It's very nice. Perfect. अच्छा है ना? अरे तो फिर नेक काम में देर कैसी? आज से 15 दिन के लिए ये कमरा हुआ आपका. और इस कमरे का रेंट हुआ? कुसुम. हाँ हाँ एक मिनट में आती हूँ, तब तक कमरा देखो ना. हाँ दीदी. कुसुम क्या कर रही हो? कौन है ये लोग? दीदी अब बच्चे तो 15 दिन बाद ही आएंगे ना, आए तो आए नहीं आए तो मतलब ऐसा भी हो सकता है, तो मैंने सोचा क्यों ना घर का खर्चा निकाल लूं, इसलिए कमरा किराए पर दे रही हूँ. अरे पहचान वाले ही हैं, मेरी किटी फ्रेंड है ना, उसके रिश्तेदार है.
ये तो होटल में जा रहे थे। मैंने कहा रुको रुको रुको, मैं अच्छी ऑफर देती हूँ। कुछ भी करती हो कुसुम, ये आकाश का कमरा है, मुझसे पूछ तो लेती, ये कोई तरीका होता है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।